हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ परवल की एकदम यूनिक और नई रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप स्टार्टर, स्नैक्स या साइड डिश के रूप में ले सकते हैं। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम चटपटा बनता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार परवल की रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 परवल लिए हैं। मैंने परवल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे कपड़े से ड्राई कर लिया है। इस बात का ध्यान रखें कि परवल बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अब इसे हम सबसे पहले कट करेंगे, तो इसके लिए हम परवल का आगे और पीछे का जो पोर्शन है उसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसका जो ऊपर का जो छिलका है उसे हम इस तरह से छील लेंगे। और हम इसी तरह से सारे परवल को छील लेंगे। देखिए, मैंने उसी तरह से सारे परवल को छील लिया है। अब हम परवल को 2 पीसेस में कट कर लेंगे। उसके बाद हम एक पीस को इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। इसे हमें पूरे एंड तक नहीं कट करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। उसके बाद हम इस तरह से इसमें पतले पतले स्लाइस कर लेंगे। देखिए, हमें बिल्कुल इस तरह से परवल में कट लगा लेना है। तब मैं आपको एक और परवल के पीस को कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और हम इसी तरह से पूरे परवल को कट करके रख लेंगे। देखिए, मैंने उसी तरह से सारे परवल के पीसेस को कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले परवल को मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और नमक ऐड करेंगे। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए बैटर रेडी करेंगे। तो बैटर बनाने के लिए हम एक बड़े बॉल में 3 बड़ा चम्मच बेसन ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच मैदा भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम थिन सा बैटर रेडी करेंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसके लिए बैटर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमें इस तरह से इसका बैटर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, परवल का जो पीस है उसे हम इस तरह से इसमें डिप कर लेंगे और बैटर को अच्छे से इसमें कोट करने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम परवल के पीसेस को बैटर में डिप करने के बाद इसे इस तरह से फैला के डाल देंगे। इसी तरह से हम ऑयल में और परवल के पीस को ऐड करेंगे। ऑयल में जितना परवल के पीस अटेंगे उतना ही डालेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम टर्न करेंगे और इसे हम दूसरे साइड भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से पक भी जाएगा। देखिए, परवल दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी बचा परवल को भी फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारा परवल का एकदम यूनिक और नया रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और यकीन मानिए खाने में एकदम क्रिस्पी और एकदम चटपटा बनता है। अब इसे आप स्टार्टर, स्नैक्स या साइड डिश के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार परवल की नई रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरीके से परवल की रेसिपी बना लेंगे तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।